हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे यानी मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पर। आज इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ से बीईओ के लिए जितने भी पेपर लोअर पीसीएस या पीसीएस में हुए हैं उन सब में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे उन सब का मैं डिटेल से एक एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन साइंस के हर बार उसका ट्रेंड बदल रहा है। जो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते थे उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके पूछा जाता है, इसलिए उसका डिटेल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए देखता हूँ ये 25 क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं 2018 में लोअर सेकंड की भर्ती में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन पहले कैसे आते थे और अब कैसे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड, इनमें से कौन सा ठोस है। पहले पूछा जाता था क्लोरोफॉर्म क्या है, आयोडोफॉर्म क्या है, एथाइल अल्कोहल क्या है या फिर ईथर क्या है, लेकिन अब उसकी अवस्थाएं पूछा जा रहा है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए जो क्लोरोफॉर्म है हमारा, क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, नहीं बेहोशी के लिए काम आता था। आयोडोफॉर्म ये कीटाणुनाशक है। एथाइल एल्कोहल ये जो है हमारा एक उत्तेजना, कहने का मतलब ये है कि जिसे हम लोग मादक पदार्थ कहते हैं या शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है और हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब ईथर अति वाष्पशील होता है और ये भी दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म और एथाइल एल्कोहल और ईथर ये सब द्रव होते हैं, लेकिन आयोडोफॉर्म इसकी जो गोलियां रहती हैं जो रखी रहती है कीटाणुनाशक बाथरूम वगैरह में या किसी आप जिसमें रखते हैं, और ये जो है आपकी ठोस अवस्था में होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं। तो सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंगदैर्ध्य होती हैं, बाकी गामा पराबैंगनी और अवरक्त किरणों में जो है उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है। उसका थोड़ा सा अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो आप ये देखिए गामा किरणों की रेंज 10^-14 से 10^-10 तक होती है, और इसी प्रकार से पराबैंगनी किरणों की जो रेंज है वो भी आपको दी गई 10^-8 से 10^-7 तक होती है, और इसके बाद अवरक्त किरणें और रेडियो लघु तरंगें ये देखिए 1×10^-1 से लेकर 10^4, यानी इसकी तरंगदैर्ध्य आप देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि आपकी रेडियो तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, यानी किसके अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त नहीं है। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनको ये पता रहता है कि कौन सा उर्वरक किसमें क्या होता है। तो इसमें आपको याद रखना है ये सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, इसमें जो है आपका जो लाइम होता है ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, और बाकी जितने भी यूरिया है, कैल्शियम सेनामाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, सारे जो भी अन्य उर्वरक हैं उनके अंदर नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन सुपर फास्फेट ऑफ लाइम में जो है आपका नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। अगला देखिए प्रश्न हमारा है और काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, बर्फ नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक जो है वो घट जाता है, इसीलिए बर्फ में नमक मिलाया जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि जो आइसक्रीम बेचते हैं अपने नीचे उसमें नमक डालते हैं, मतलब बर्फ डालते हैं बर्फ के नीचे, बर्फ में ही नमक क्यों मिलाते हैं। तो उसका कारण होता है कि उसका जो है नमक के बर्फ के साथ मिलाने के कारण उसका जो हिमांक जो है वो घट जाता है, यानी नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटा देता है, क्योंकि क्लोराइड लवण बर्फ को पिघलने में एजेंट का कार्य करता है। यह बर्फ पानी में घुलनशील है जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक शून्य के नीचे आ जाता है, इसीलिए
आपको बर्फ को अगर कम पिघलाना तो उसमें नमक मिलाया जाता है। चलिए बढ़ता हूं आगे। अगला प्रश्न अयस्क के ऊपर है। केलामाइन का एक अयस्क, यानी केलामाइन किसका अयस्क है? तो केलामाइन जो अयस्क है वो आपका जिंक का है, क्योंकि कोई भी धातु स्वतंत्र अवस्था में, अधिकतर धातुएं नहीं पाई जाती, उनके अयस्क मिलते हैं और उन्हीं अयस्क से इन धातुओं का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर टिन का देखा जाए तो इसका होता है कैसेटेराइट, अगर मैग्नीशियम के देखे जाए मैग्नेसाइट, डोलामाइट, साल्ट, मतलब साल्ट होते हैं, और जिंक का जैसे जिंक ब्लेड है, कैलामाइन है, जिंकाइट है, उसी प्रकार से तांबा जो होता है उसका क्यूप्राइड है, मेलाकाइट है। इस प्रकार से इनके जो है अयस्क पाए जाते हैं। ये देखिए आपको लिखा भी हुआ है। अगला भी जो प्रश्न हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं होता? चूंकि सभी को मालूम है ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो निर्वात यानी वैक्यूम में हवा यानी माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता, यानी निर्वात में ध्वनि आप गमन नहीं कर सकते, यानी निर्वात में आप अपनी आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। ये आपको याद रखना है। ठोसों में जो ठोस धातुएं होती हैं उनमें गमन अधिक होता है, पानी में उससे कम होता है, हवा में उससे भी कम होता है, और हवा जहाँ नहीं है निर्वात वहाँ पे शून्य होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ता हूँ आगे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो सभी को विटामिन्स के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो उसका रासायनिक नाम पूछता है, या उसका प्रमुख स्रोत पूछ लेता है, या फिर कमी से होने वाले रोग पूछता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप विटामिन ए है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम इसे रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। सभी पीले वह गहरी हरी सब्जी और फल आदि में पाया जाता है, और इसमें मुख्यतः रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी को हम लोग पूछते हैं, किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसमें कई विटामिन होते हैं, उसमें मेन विटामिन आपका B1 है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, और उससे होने वाला रोग बेरी बेरी है। अगला विटामिन सी है, जो कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जिसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और इससे स्कर्वी रोग होता है। तो आपसे पूछ रहा किस विटामिन में स्कर्वी रोग होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी से होता है। विटामिन डी कैल्सीफेराल उसका रासायनिक नाम है, और ये जो है सूखा रोग, इसी बच्चों में सूखा रोग हो जाता है जिसे, और वयस्कों में भी इसका रोग हो जाता है, जिसका नाम अलग से दिया जाता है ऑस्टियो मलेशिया, यानी वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में सूखा रोग। तो ये था विटामिन की जानकारी। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है और आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। चूंकि जब पेड़ 1 साल का हो जाता है तो उस पर एक वार्षिक वलय उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जो पेड़ हमारा होता है, आपने जब कोई बड़े पेड़ को कटते हुए देखा होगा तो उसकी जड़ को जब काटते हैं तो आपने देखा होगा एक ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक ही एड, मतलब सेंटर से कई सर्कल्स दिखाई पड़ते हैं। ये 1 साल में इसका निर्माण होता है, यानी पौधे की जो आयु है उसकी गणना उनके जाइलम ऊतकों से वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की या यही विधि है जिससे उसकी आयु पता की जा सकती है। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए कि आपका इनकी इनके जो वार्षिक वलय हैं उनसे गिन करके, यानी वर्तमान में अपने वार्षिक छल्ले जो उसकी जड़ पर प्रदर्शित होते हैं उससे हम इसे पता कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें भी थोड़ा आपको बताया दे रहा हूँ, बताया गया पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक से वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास अच्छा प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में
बदल जाती है। अभी तक प्रश्न पूछता था प्रकाश संश्लेषण में कौन सी क्रिया होती है, इसमें क्या क्या निकलता, अब देखिए प्रश्न बदलते जा रहे हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो इसका सही आंसर आपने देख लिया होगा बी है, यानी प्रकाश संश्लेषण। ये आपका बायो का क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बाकी उसका डिटेल आप यहाँ से पढ़। अगला हमारा प्रश्न भी बायो से ही है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आम तौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी हल्दी आपका क्या है, वो जड़ है, तना है, फल है या फूल है। तो पौधे के में भोजन का स्थानांतरण, यानी जो बी आंसर आपका है तना, यानी हल्दी भी जो है वो तना है। तो तना वाले पौधे बहुत से होते हैं जिन्हें हम लोग जड़ अक्सर समझ लेते हैं और जड़ को हम लोग तना समझ लेते हैं। तो आप याद कर लीजिए हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, यानी आप याद कर सकते हैं हद, हद कर दी आपने, इससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। हद कर दी आपने, जहां पर ये कर दी और ने छोड़ दिए, हा से हल्दी और हद जहां दा आएगा वहां से आप अदरक कर लेंगे और आ से आलू, पा से प्याज, यानी ये चीज अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपको तने याद हो जाएंगे हद कर दी आपने। और जड़ जो है वो आपकी गाजर है, मूली है, चुकंदर है। तो हल्दी तने से प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। अगला प्रश्न हुआ तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। देखिए लौह रक्त में पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता। ये अक्रिय गैस है क्रोमियम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जनान, रेडान, सॉरी क्रोमियम एक धातु है जो कि नहीं पाई जाती, वो मैं अक्रिय गैस बता रहा था। तो याद रखना है कि रक्त में क्रोमियम जो है धातु जो है मेटल जो है वो नहीं पाई जाती, जबकि लोहा यानी एफी, कापर और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आपको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अलग बिल्कुल क्वेश्चन आपको आए हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। अगला भी प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दूध द्वारा फैलती है, वो है आपका क्षय रोग। यहाँ से कैसे क्षय रोग, लाल बुखार और म्यादी बुखार प्रायः दूध द्वारा फैलने वाला रोग है। क्षय रोग दुधारू जानवरों से मनुष्य में संचरित होता है गाय के आयन से, यानी उसमें जो अगर गाय को ये जो रोग है आपका क्षय रोग है, टीबी है, तो अगर उसका दूध कोई पीता तो उसके कीटाणु दूध के द्वारा हमारे अंदर आ जाते हैं और जिससे हमारे अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। और इसकी जांच जो है वो की जाती है लैब में, तब पता चलता। अक्सर टीबी कई प्रकार की होती है, फेफड़े वाली टीबी ज़्यादा नुकसानदायक है, इसके अलावा शरीर में बाल और नाखून को छोड़कर बाकी शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला है नारंगी प्रचुर स्रोत है, यानी जो हम लोग नारंगी खाते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो नारंगी होता है उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है। तो उसमें देखिए वसा तो होने का सवाल नहीं, वसा आपको नहीं मिलता, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलता और उसमें प्रोटीन भी नहीं, उसमें होती है आपकी विटामिन। विटामिन क्यों होती है, चूँकि जो नारंगी वो खट्टा होता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन तो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती, इसलिए नारंगी में विटामिन पाई जाएगी क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी रहता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो आपका थॉमसन ने किया था, या थॉमसन जिसे हम लोग बोलते हैं उनका नाम दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो खोज थी वो आपकी जे थॉमसन ने की थी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी की खोजक को दिया गया, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। अगला भी प्रश्न बहुत अच्छा है। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा, तो चालक के माध्यम से प्रवाहित जो धारा होती है
चूंकि इसमें ओम्स लॉ चलता है और वो कहता है एक तरफ वी और एक आई, इसका बिल्कुल सीधा मिलता है, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी या वी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी उसके प्रत्यक्ष जिस प्रकार से वोल्टेज बढ़ता है उसी प्रकार से धारा बढ़ती है, जिस प्रकार से धारा बढ़ती है उसी प्रकार से वोल्टेज बढ़ता है। अगर वो कम होता है तो कम, इसका मतलब इसका आंसर आपका पहला वाला ही सही होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपात के बराबर होता है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर नहीं याद होता तो आपको याद रखना है वी इक्वल टू आई आर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई, जहाँ पर आर एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। चलिए बढ़ता हूँ आगे। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? लहसुन और प्याज दोनों ही सल्फर यौगिक हैं, इनके कारण इसमें एक विशेष गंध पाई जाती है। तो आपको याद रखना है प्याज और लहसुन में दोनों में जो विशेष गंध है वो सल्फर यौगिक के ही कारण होती है, इसलिए ये आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न कई बार कभी लहसुन के लिए आएगा तो कभी प्याज के लिए आएगा, दोनों के लिए आपको याद रखना है, दोनों एक ही परिवार के हैं जिसमें सल्फर के कारण ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बहुत व्यवहारिक और बहुत अच्छा है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, वह वास्तव में क्या है? खाने के लिए जो सोडा होता है वो हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो धोने का सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कठोर और मृदु जल दोनों को, ये मृदु कठोर को भी मृदु बना देता है, यानी अस्थायी कठोरता को दूर कर देता है जिससे कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका बी वाला होगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सभी को पता है, इसको याद कर लेना है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस प्रकार के और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। इनमें से कौन उड़ सकता है? तो उड़ने के लिए देखिए ऑस्ट्रिच बहुत भारी होता है जो कि उड़ नहीं सकता, पेंगुइन भी, चिड़िया नहीं उड़ पाती, और एमू भी नहीं उड़ पाता है, लेकिन हॉर्नबिल ये उड़ने उड़ सकती है, इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ये सही होगा, हॉर्नबिल। अगला आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और कई बार और हाई स्कूल के एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी किस चीज़ का इसका फिलामेंट बना होता है, उस पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फिलामेंट सदैव टंगस्टन का बनाया जाता है, और टंगस्टन का गलनांक जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इसे बनाया जाता है, और इसे निर्वात में, यानी जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर इसको जो चमकने वाला रहता है इसी को हम लोग कहते हैं टंगस्टन, यानी यही जो है आपका तार जो होता है बहुत पतला सा, उसी के फॉर्म में जो कॉयल बनती है वही ये पड़ा रहता है। चलिए बढ़ता हूँ आगे। अगला प्रश्न है जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता जाता है, ये आपको याद रखना है कि लोहे पर आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपरी लाल रंग की एक परत, यानी फेरिक ऑक्साइड बैठ जाता है जिससे जंग लगना कहते हैं। यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है, जंग लगने से लोहे का भार सदैव बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना हर बार कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, और उसे जब आप साफ करते हो यानी उसका समझ लीजिए क्षय हो जाता है, लेकिन उसके लगने से उसका भार बढ़ जाता है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर उसका भार बढ़ जाता है यानी लगने से। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न कैसे आता, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है, ये आपको याद रखना, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक प्रश्न पहले भी आ चुका है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? यहाँ पूछ रहा न्यूट्रॉन कण के एक परमाणु के नाभिक कांश से की खोज किसने की, इसलिए इसको आप याद रख लीजिए, तो आपको सदैव याद रहेगा। इसके लिए फार्मूला ईंट पर नाच,
तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से थॉमसन साहब, पा यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन से रदरफोर्ड, और ना से न्यूट्रॉन, उसकी खोज की थी चैडविक ने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इससे आप ईंट पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने करी किया है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। तीनों कण मूल कण है, इन्हें हमें याद रखना है। चलिए बढ़ता हूँ आगे। अगला प्रश्न है, एक फ्रिज में शीतलक है, यानी जो शीतलक होता है जो उसे ठंडा करता है, उसमें अक्सर क्या भरा जाता है? तो वो होता है आपका फ्रियान। आधुनिक प्रशीतकों में प्रशीतक के रूप में HFC-19-4A-11-12 टेट्रा फ्लोरो एथेन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो शीतलक होते हैं वो फ्रियान, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, जिससे यह प्रश्न आपको याद रहे। और हालांकि यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अभी मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था कि विटामिन्स के रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ठीक उसी में कड़ी में एक अगला प्रश्न आया है, विटामिन B12 का नाम क्या है? याद रखना है B1, B2, B3 और B6 और B12, इनके नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर विटामिन B2 का जो नाम है वो होगा राइबो फ्लेविन। तो ये देखिए राइबो फ्लेविन ये लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, जो कि लोअर सेकंड में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, यानी ये पेपर आया था 2017 में निकला था, लेकिन इसकी जो एग्जाम हुआ था 15/7/2018 को हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारा वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।